जिसे आप मिलने आई हैं वो घर पर नहीं है, खावर से मिलने आई है ना? मैं अभी तुम्हारी बीवी और बेटी को जाके बता देती हूँ कि फरीद का असली बाप कौन है। मैंने खाना लगा दिया, चल के खा लें। नहीं खाना मुझे। जैसे आपकी मर्जी। मिठाई तो खाएंगी ना? किस खुशी में? हावर चाचा ने फरीद को आज ऑफिस बुलाया था। उनकी नौकरी बहाल कर दी। अलग घर की बात भी की है उन्होंने। शायद बहुत जल्द हम यहां से चले जाएं। क्या मिला आपको ये सब कुछ करके? कि सारी जिंदगी की कमाई ये दो बेटे ही थे, वो भी हाथ से निकल गए। क्या बचा है आपके पास? एक मशवरा दूं? सबको सच बता दूं? मौका हाथ से निकल गया। खावर ने ऐसी चाल चली है, मैं कुछ भी कह दूं सब कहेंगे मैं झूठ बोल रही हूं। तो आपने भी तो ईशल के साथ यही कुछ किया है। ने कितनी बार उसे जुनेद भाई के सामने झूठा साबित किया है। चली जाओ यहां से। मैंने कहा चली जाओ यहां से। ये कह रही है कि मैं फरीद का बाप हूं। मेरा यकीन करो, फरीद इन्हीं का बेटा है। बस कर दे, बस कर दे अम्मी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप इस हद तक भी गिर सकती थी। इतनी बड़ी बात उन्होंने इतने आराम से कैसे कर दी, और आपने कुछ भी नहीं कहा? देखो सब बात है, औरत खुद को इतना बेइज्जत करने पर उतर आए तो मर्द के कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाता। और आपकी इज्जत पे जो हर्फ आया है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? पड़ता है, लेकिन वहां उसका बेटा खड़ा हुआ था, मैं क्या कहता? तो फिर मुझे बुला लेते, मैं बात करती। अगर उन्होंने कोई लिहाज नहीं रखा तो हम क्यों रखे? रिश्तों का तकद्दस होता है, उन्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई। मुझसे तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ बात करने। अरे नहीं, मैंने बहुत कुछ कहा है उन्हें। अभी तो आपने कहा है कि आपने कुछ नहीं कहा, तो क्या कहा है? मैं उनको क्या कर आया हूँ कि इतना घटिया इल्जाम लगाने से पहले आपको शर्म आनी चाहिए। और उनको ये भी मना किया कि आज के बाद आप मेरे घर मत आइएगा। मैं अगर वहां होती ना तो मुंह तोड़ देती। शर्म नहीं आई उनको ये बात कहते हुए? अरे रिलैक्स प्लीज, इसकी जरूरत नहीं है। जुनेद ने भी उनकी ठीक ठाक कर दी है। अच्छा बैठो, इधर आओ।
आप समझ रही होंगी कि मैं अम्मा भी से बात करने आया, मुझे आपसे बात करनी, बल्कि आज मैं एक डील करने आया हूं आपसे। कैसी डील? आप ये घर छोड़कर चली जाएं किसी दूसरे शहर, ये घर मैं खरीद लूंगा और आपके अकाउंट में पैसे डाल दूं। मैं क्यों छोड़ के जाऊंगी? तो यहां रहकर क्या करेंगी आप? यहां बचा ही क्या आपके पास? ईश्वर और जुनेद मेरे पास हैं, सायरा और फरीद उनको मैं घर लेकर दे रहा हूं, रही बात अम्मा भी की तो वो मेरे पास रहेंगी, यहां अकेली रहकर क्या करेंगी आप? क्योंकि मैं चाहता हूं कि बाकी की जिंदगी आप सुकून से गुजारें। अगर यहां रही तो मैं आपको सुकून से रहने नहीं दूंगा। धमकी दे रहे हो मुझे? अपना फैसला सुना रहा हूं, आगाह कर रहा हूं, अगर आप यहां से ना गई तो कहीं ऐसा ना हो कि अपनी जान से मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम इतना गिर सकते। कुछ दिन दे रहा हूं, आप अच्छी तरह सोच लें फिर अपने फैसले से आगाह कर दीजिएगा मुझे। एक बात और, अगर आप ये सोच रही हैं कि दूसरों को अपनी बात पर यकीन दिला देंगी तो यह आपकी भूल है। आप कुछ भी कर लें कोई भी आपकी बात का यकीन नहीं करेगा। आप 100 सबूत ले आए तब भी कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि मेरा और आपका कभी निकाह हुआ था, और ये कि मैं फरीद का बाप हूं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा भी। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैंने ऐसा क्या किया? फरीद का बाप है तू। किसने कहा आपसे ये? अभी तो कह रहा था, मैंने खुद सुना है। नहीं नहीं अम्मा भी, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने खुद सुना है, अभी कहा है तूने? आपको वहम हुआ होगा अम्मा भी, भला मैं फरीद का बाप कैसे हो सकता हूं? नहीं हूं मैं फरीद का बाप। मैंने कहा ना, मैं खुद सुना है। रुखसाना तू बता, ये सच कह रहा है? अब बोल। आप अम्मा भी इनसे पूछ रही है? ये तो हमेशा से मेरे खिलाफ हैं। ये तो ये क्यों कहेंगी कि मैं सच बोल रहा हूं? ये मेरे पे एतबार नहीं करती, मेरे खिलाफ रहती है। आप इनसे पूछ रही हैं अम्मा भी? मैं सच कह रही हूं, यही है फरीद का बाप। अरे नहीं 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 अम्मा भाई, आप जानती है मेरा इनका देवर और भाभी वाला रिश्ता है, तो ये भी जानती है कि मैं इनकी कितनी इज्जत करता हूं। चला दे यहां से। अम्मा भी आप इनकी बात का यकीन कर रही हैं? अपने बेटे का नहीं, मेरी बात तो सुने। निकल यहां से, चल। अम्मा भी मुझे एक बार मुझे बोलने का मौका तो दे। अम्मा भी निकल यहां से, मेरी बात तो सुने। अम्मा भी प्लीज मेरी बात। अरे तफाओ
शर्म तो नहीं आई होगी तुझे? सारी उम्र हमसे झूठ बोलती रही, हम सबकी आंखों में धूल झोंकी। मैं सगे बेटे को लेपालक कहती रही, ये मेरा ही घर मिला था, मेरे ही बेटे मिले थे। अम्मा भी खबरदार क्यों मुझे अम्मा भी का कुछ नहीं लगती मैं तेरी। तेरा भी कसूर नहीं है, हमारी आंखों पे पट्टी बंधी थी, तुझ पर और तेरे गंदे खानदान पे भरोसा किया। अगर रिश्ता मांगने से पहले तेरे किरदार का पता चलवाते ना, पता चल जाता जो अपने सगे बेटे की ना बन सकी तो हमारी क्या बनेगी। तेरी शक्ल नहीं देखा जाती मैं, दबा जा, बेशरम ना हो कर की दबा। ताईजान का फोन आ रहा है, सुन लो। मुझे नहीं करनी उनसे कोई बात। क्या पता कोई जरूरी बात करनी हो। हम यहाँ ये बात करने आए हैं। देखो जुनेद, मैं तुम्हारे और ताईजान के दरमियान में नहीं आना चाहती, पर सच कहूं तो जब से हम घर छोड़कर बाबा की तरफ आए मैं यही सोचती रहती हूँ कि कहीं मैं तुम्हारी और ताईजान की नाराजगी की वजह ना बन जाऊं। मेरी और अम्मी के दरमियान नाराजगी की वजह तुम नहीं हो, मुझे तुम अच्छी तरह से जानती हो। बहुत अरसे तक उन्होंने हमें धोखे में रखा, मुझे नहीं करना चाहिए। अगर कभी उनको तुम्हारी जरूरत पड़े तो तुम जाओगे? ईशन, कोई और बात करोगे प्लीज? ये नसीम आंटी है ना, देखो हाँ ये तो वही है। जल्दी आओ नसीम आंटी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। हमें लगा कि आप हैदराबाद में होंगी। हाँ मैं गई थी हैदराबाद कुछ दिन के लिए, अब वापस आ गई हूँ। किसी से मिलने के लिए आए हैं आप? नहीं मैं तो बस कुछ फायजा के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, बस इजाज़त है। हाँ मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। पूछो। आपने फरीद भाई से कहा था कि ताईजान उनकी सगी माँ है, लेकिन फरीद भाई के बाप कौन है ये तो बताया ही नहीं। ये किसने कहा है तुमसे? ये फरीद ने कहा है? फरीद भाई ने खुद बताया, और वो इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते। और वैसे भी अम्मी तस्लीम कर चुकी हैं। अच्छा तो बताइए फरीद भाई के वालिद कौन है? मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है जब आपको ये मालूम है कि माँ कौन है तो वालिद कौन है ये नहीं मालूम? नहीं पता, मैं बहुत जल्दी में, मुझे जाने दो। नहीं मैं आपको नहीं जाने दूंगी जब तक आप मेरे सवालों के जवाब नहीं देते। आपको ये बात किसने बताई थी कि ताईजान उनकी सगी माँ है? अनवर ने। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने ये बताया और वालिद का नाम ना बताया हो? मैंने कहा ना मुझे नहीं पता, तुम ये सवाल जाके अपनी ताईजान से क्यों नहीं पूछती? हाँ जुनेद कुछ तो गड़बड़ है, हमें इनका पीछा करना चाहिए। जल्दी आओ। कहाँ जा रही हो? सलूम मिटा जो। भाई साहब फ्री, तुम कहाँ हो? ऑफिस में। मुझसे पहले किसी ने कॉल तो नहीं किया? नहीं। मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हें किसी का भी फोन आए तुमने नहीं सुना, मेरी बात समझ रहे हो ना? किसी का भी? हाँ हाँ किसी का भी, रुखसाना भाभी हो, अम्मा भी हो या सायरा, तुमने किसी का फोन नहीं सुना। तुम एक काम करो, तुम फोन ही स्विच ऑफ कर दो। ठीक है लेकिन सब खैरियत तो है ना?
अरे वो तुम्हें मैं आके बताऊंगा, अभी जैसा कह रहा हूँ वैसे करो। चलो ठीक है। ये तो हमारा घर है। क्या? हाँ, ये घर बाबा ने लिया था, मामा के नाम पर है। मगर आंटी ने सीन क्या कर रही है यहाँ पे? तो अंदर जाके पूछ के नहीं पता चलेगा। तुम अंदर जाओगे? हाँ तो है ना, जा। तुम्हारा फोन आ रहा है। हेलो। जी जी, बस मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ? ऑफिस से फोन आया, फॉर्म पहुंचने के लिए कहा है उन्होंने, तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। इसका मसला हम बाद में सॉल्व करेंगे। आपसे एक बात करनी है। बोल। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरी खातिर आपने खावर के साथ इतना सख्त रवैया अख्तियार किया। तेरी खातिर नहीं किया था मैंने कुछ। आप पूछेंगी नहीं खावर फरीद का बाप कैसे? नहीं, मैं बताना चाहती हूं आपको। मैं सुनना नहीं चाहती। क्यों? मैंने कहा ना, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। चली जा यहां से। मैं जो तुमसे बात करने जा रहा हूं उसे बड़े हौसले से सुनना। और वादा करो उसे सुनने के बाद तुम उससे नाराज नहीं होगे। अम्मी ने दोबारा आपको मुझे नौकरी से निकालने को कहा है ना? नहीं, बात कुछ और है। अनवर भाई और रुखसाना भाभी की शादी से कुछ साल पहले की बात है। मैं और रुखसाना एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। नहीं, शुरुआत रुखसाना की तरफ से हुई, पर इसमें उसका भी कोई कसूर नहीं था। मेरी नेचर ऐसी थी कि मैं बहुत जल्द किसी को भी अपना दोस्त बना लेता था। रुखसाना के साथ भी मेरी बेतकल्लुफी का रिश्ता था, और वो उस बेतकल्लुफी के रिश्ते को न जाने क्या समझने लगी। उसे लगा जैसे मैं उसे पसंद करता हूं। मुझे उसने खत लिखना शुरू कर दिए। मैंने बहुत मना किया, लेकिन वो मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुकी थी।
वहां से उसका वापस आना बहुत मुश्किल था। कहते हैं ना, किसी से इतनी ज्यादा मोहब्बत का इजहार किया जाए, सामने वाला मजबूर हो जाता है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ना चाहते हुए मुझे भी रुखसाना से मोहब्बत हो गई। मैंने अपने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, वो नहीं माने, मजबूरन हमने छुपकर निकाह कर लिया। और कुछ अरसे में अल्लाह ने हमें एक बेटे से नवाजा। उसके बाद मैंने कई बार चाहा कि घर वालों को बताऊं, लेकिन हर बार मुझे रुखसाना ने मना कर दिया। मेरी माली हालत खराब होती चली गई और यही सबब बना रुखसाना की मुझसे दूरी का। और फिर रुखसाना ने मुझसे तलाक ले ली। कुछ अरसे बाद ही अनवर भाई का रिश्ता आया और दोनों की शादी हो गई। अनवर भाई को नहीं पता था कि मेरा और रुखसाना का निकाह हुआ है और हमारी कोई औलाद भी है। तुम पूछोगे नहीं कि उस बच्चे का फिर क्या हुआ? दो साल तक उनके यहां औलाद नहीं हुई, तो उन्होंने उस बच्चे को गोद ले लिया और उसका नाम फरीद रखा। हाँ फरीद, तुम मेरे बेटे हो। मैं ही तुम्हारा बदनसीब बाप। आओ मेरे गले लग जाओ। पच्चीस साल उम्र है मेरी, इन 25 सालों में आपके सामने मैं मां और बाप मोहब्बत और शफकत के लिए तरसता रहा। आपको तरस नहीं आया मुझ पर? अम्मी तो चलो फिर भी मुझे नेपालक कहकर गले से लगाती रही। आपका दिल नहीं किया कि मुझे अपना सगा बेटा कहकर गले से लगाएं? मैंने कई बार कोशिश की मगर इस हाल नहीं बताया आपने मुझे, आज क्यों बता रहे हैं? मैंने कई बार कोशिश की लेकिन लेकिन आपके सामने आपका घर आ गया होगा, आपकी बीवी, आपकी बेटी है ना। ये आज नहीं है, मुझे उस वक्त बताना चाहिए था जब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे लेपालक कहकर पुकारते थे, मुझसे पूछा जाता था तुम्हारा बाप कौन है, तब बताना चाहिए था। आज क्यों बता रहे हैं आप मुझे? आज भी आपकी कोई मजबूरी होगी जो आप इकरार कर रहे हैं। हाँ मेरी मजबूरी है। मजबूर हो गया हूं इस एहसास से कि तुम मेरे बेटे हो, जिसे सारी जिंदगी गले लगाकर यह ना कह सका कि मैं तुम्हारा बाप हूं और तुम मेरी सगी औलाद हो। क्योंकि तुम्हारी मां ने मुझे सब कुछ नहीं करने दिया और मुझे भी उसकी इज्जत की परवाह थी कि खानदान वाले क्या कहेंगे, उसका खुद बेटा क्या सोचेगा। अरे अनवर भाई की जब मैयत आई तो मुझे नहीं पता था कि उसको डाइवोर्स हो चुकी है और मैं नहीं चाहता था कि वो दुनिया वालों के सामने इस तरह रुस्वा हो।
विक्रम, मुझे माफ कर दो बेटा। मेरे बाप होने का हक अदा नहीं किया कि मेरा अल्लाह जानता है कि अब मैं सब कुछ करना चाहता हूं तुम्हारे लिए, जो चाहो उससे दे सकते हो, मेरी हर चीज तुम्हारी है, घर गाड़ी जिस चीज पे उंगली रखोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, पर एक बार प्लीज, एक बार लग जाओ बेटा। मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा, मैं वादा करता हूं मैं दुनिया वालों को बताऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। कब बताएंगे आप? बहुत जल्द बेटा, थोड़ा सा इंतजार कर लो, अभी किसी को नहीं बताना, मैं सबको बताऊंगा। बस अब अपनी माँ का घर छोड़कर तुम सायरा को लेकर इधर आ जाओ, मैं तुम्हें एक बड़ा शानदार घर लेकर दूंगा, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, बस थोड़े दिन इंतजार कर लो बेटा। ये सब चीजें जुनेद ने दिलाई है जी। That's very nice. इसका मतलब है जुनेद अच्छे पैसे कमाने लगा है। ये तो अच्छी बात है। क्या बात है, परेशान क्यों? आज हम नसीम आंटी से मिले थे। नसीम वो अनवर भाई की दूसरी बीवी जी। फिर मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि फरीद भाई के वालिद कौन थे, तो वो आई बाई शाएं करने लगी। फिर जब मैंने और जुनेद ने ज्यादा पूछने की कोशिश की तो वो भाग गई वहां से। फिर? और फिर आप जानती हैं कि हम उनका पीछा करते करते कहां पहुंचे? कहां? बाबा ने जो घर आपके नाम किया था ना, वहां। क्या मतलब है तुम्हारा नसीम? मतलब ये कि नसीम आंटी आपके घर में रह रही हैं। ये कैसे हो सकता है, क्यों? ये तो हम भी जानना चाहते थे क्यों, मगर जुनेद के ऑफिस से कॉल आ गई और उसे अर्जेंटली जाना पड़ा। तुम्हारे बाबा ने 2 महीने पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाया था मुझसे। वो कह रहे थे कि वो प्रॉपर्टी बेचनी है ताकि एक और प्रॉपर्टी ले सके। तो क्या बाबा ने वो घर नसीम आंटी को बेच दिया? अगर इतने पैसे कहां से आए उनके पास? ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे बाबा ने पैसे ही नसीम के नाम कर दिया। मगर बाबा ऐसा क्यों करेंगे? अब ये तो तुम्हारे बाबा ही जानते हैं ना, वो ही बता सकते हैं। मुझसे इतने नाराज हो गए हो कि बात भी नहीं करना चाहते। ठीक है, हो जाओ नाराज, मत करो मुझसे बात, मगर यूं मुझसे दूर तो ना होते, मेरे सामने रहते, मुझे नजर आते। मैं बहुत अकेली हो गई।
आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैंने ऐसा क्या किया? फरीद का बाप है तू। किसने कहा आपसे ये? अभी तो कह रहा था, मैंने खुद सुना है। आपको वहम हुआ होगा अम्मा भी, भला मैं फरीद का बाप कैसे हो सकता हूँ? नहीं हूँ मैं फरीद का बाप। मैंने कहा ना, मैं खुद सुना है। रुखसाना तू बता, ये सच कह रहा है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम देवर जी। वालेकुम अस्सलाम। मना किया था ना आपको, फिर किस लिए कॉल किया आपने? ईशन मिली थी, फरीद के बाप के बारे में पूछ रही थी। कहाँ मिली? छोटी सी दुनिया है, आते जाते रस्तों में वही जाने पहचाने लोग फिर से मिल जाते हैं। जुनेद भी था साथ में, दोनों ने बहुत इसरार किया कि मैं किसी न किसी तरह उन्हें फरीद के बाप के बारे में कुछ बता दूं। अब मैं बताऊं या नहीं? आपको मैंने इतना पैसा और घर इसलिए नहीं दिया कि आप मेरे राज खोलती फिरे। अरे इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो नहीं गई थी उनके पास, खुद चल के मेरे पास आए, इसमें मैं क्या करूं? मैं तो ठहरी एक मजबूर और बेबस बेवा। अगर मुझे एक मौका मिल रहा है तो मैं फायदा ना उठाऊं? आप चाहती क्या? ये हुई ना बात। अच्छा सुने, फरीद रुको, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा बाप कौन है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं खावर अमीन है ना मेरा बाप। इतने साल आपके सामने रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, आपसे पूछता रहा कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा बाप, आपने नहीं बताया। लोगों के ताने सुनता रहा, उनसे मजाक उड़वाता रहा, इस एहसास के साथ जीता रहा, मरता रहा कि कभी कोई मेरे सर पर हाथ रखेगा, बेटा हम तेरे सगे मां बाप हैं। नहीं, और आप मेरे इतना करीब होने के बावजूद भी आप नहीं कह सकी मुझे। आपने सिर्फ अपनी उस औलाद को सगा कहा जिसे आप आसानी से लोगों के सामने कबूल कर सकती थी, और मैं रह गया लेपालक का लेपालक। और अगर आज आप मुझे ये सब कुछ बता रही हैं ना, तो इसमें जरूर आपकी कोई चाल है। ऐसे मत कहो बेटा। बेटा मत कहिए मुझे, यह आप खो चुकी हैं। और आइंदा से मुझे आवाज देने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे बात करना तो दूर, आपकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। फरीद,